ये विवेक की आज की ड्रामा। अब आ जाएंगे तो घर को रहेगा। सोनी पूरी बना रही है। ये राम मंदिर है। मुकुट तो बहुत बड़ा लगा लो। साढ़े आठ बजे केक खरीद रहे हैं क्योंकि चूड़ियों से दब जाए। हेलो, राम राम जी, नमस्ते और सब कैसे हो? बढ़िया, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। इस समय टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और ये ब्लॉग शूट हो रहा है धौलपुर से, और आज तारीख है 3। तो आज बोट भी खुल रहे हैं, खूब समाचार चल रहे हैं। इस समय हमारी अम्मा अभी आज ना वो बनाए हैं दाल चावल, रोटी बनाई, रोटी भी बनाई है, देख हाँ रोटी कम बनाई है और दाल चावल बनाए। देखो, आप सभी का कमेंट भी आते हैं कि भैया ये आप दाल चावल नहीं खाते हो, कभी चावल नहीं खाते हो। देखो ऐसे खाते हैं, जब दाल बनाते हैं तो चावल बना लेते हैं साथ में। ये देखो चावल और ये दाल, दाल डाल के अम्मा खा रही हैं। अम्मा कैसे लग रहे हैं? बढ़िया, बढ़िया लग रहे, आनंद दे रहे हैं। और आज का ब्लॉग इसलिए लेट हुआ, कल हम गए थे लगुन टीका में, तो रात में करीब 2 बजे घर पर आए, 2 बजे के 1:15 बजे आए, तो सोते सोते 2:30 बज गया, नींद नहीं आई। ऐसे ही फिर वीडियो बनाते तैयार करते रहे, फिर नींद आ गई, फिर सो गए, फिर हमने सुबह वीडियो तैयार की, तैयार हुई हमारी वीडियो करीब 11:30 बजे तक सुबह से लगे लगे। उसके बाद में उसको डाला, थंबनेल बनाया, बहुत सारा काम हो जाता है, इसीलिए आज की वीडियो शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अब कर रहे हैं। इधर हमारी मम्मी जी बना रही हैं वो आंवला, आंवले का मुरब्बा बना रही है अभी हमारी मम्मी इस समय। तो ये आंवले का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में इस समय एकदम ताज़ा ताज़ा इस समय मिल रहा है। ये डालना चाहिए गाइस, हर घर में खाना चाहिए, इससे बहुत सारे रोगों से तो ऐसे ही छुटकारा मिल जाता है। जागी नहीं? कितने होंगे, 1 किलो आधी किलो है मम्मी? 1 किलो, 1 किलो आंवले का मुरब्बा बनेगा और ये मिश्री, इसमें मिश्री डलेगी। इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो बताना गाइस, फिर हम लेकर आएंगे दोबारा से, फिर बनाएंगे। और इधर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रही है, इस समय 12:30 बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून। और इस समय बच्चे बना रहे हैं ड्राइंग, देखो विवेक ने बनाई ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग देख के बनाई है तूने? इसमें से बनाई है? हाँ, ये वाली देख के। अच्छा, ये इसमें से देख के, इसमें से ये वाली नाव जो बन रही है वो देख के, तो इसमें नाव बनाई है, बाकी और बाकी का ये अपने कल्पना से बनाया है, जो पेड़ वगैरह है। तो ये विवेक की आज की ड्राइंग है। अभी हम चल रहे हैं अपनी, अभी हम चल रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ पे, हमारी दीदी की ननद की शादी है, तो आज वहाँ पे क्या है, तेल ताई वगैरह है, आज तेल ताई, जो भी जो रस्म होंगी वो आपको दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो बस लाइक कर दे। अभी आ गए हम धौलपुर में गाइस, और अपने भानज के लिए को कपड़े ले रहे हैं, जो छोटा वाला हमारा भानज है ना, हमारी दीदी की देवरानी का लड़का, तो उसके लिए हम कपड़े खरीद रही है सोनी। अभी भीग गए गाइस, देखो बारिश हो रही है, चाट चाट हड़िया चाट चाट पानी भर रहा है। सब आ जाएंगे तो घर को रहेगा। आते ही खाने पीने में लग गए गाइस, जो तेल वगैरह का जो कार्यक्रम था वो तो हमारे सामने नहीं हो पाया, जब तक आए तब तक खत्म, लेकिन आगे का कार्यक्रम दिखाएंगे आपको। सोनी पूरी बना रही है, ये इसकी रिश्तेदारी चल रही है। खवाए दो माइंगे, माइंगे खवाए दो। तो को देखे अकेली चाहिए, अकेली खा रही है टेढ़े मेढ़े। तुम ना देख रहे हो आगे बब्बर में ना ले, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अनित्या, अनित्या, लाली,
अभी डिजाइनिंग की खोजिंग चल रही है, वो डिजाइन की खोज चल रही है मेहंदी रखने के लिए। अभी देखो इधर डिजाइन देख रहे हैं मोबाइल में, कौन सी डिजाइन पसंद आती है। आज बारिश ने बुरा हाल कर दिया, इतनी खुचनी खाई है इन्होंने, चाय वाली तपेली भी नहीं छोड़ी होगी, इतनी बारिश हो रही है, शर्म लग रही है। पहले तो खा खा के तपेली फोड़ा रही है। देखो क्या हालत हो रही है, देखो पूरा पानी 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 पानी, घर नहीं जा पा रहे हम, पूरा पानी पानी हो गया चारों तरफ, अभी भी बारिश बंद नहीं है। अब घर तो नहीं जा पा रहे लेकिन कुछ काम पैसा कमा ले मेहंदी वगैरह रख के। मेहंदी रख रही है और देखो डिजाइन कैसी लग रही है, ये डिजाइन देखो मैं ये करामत करूँ इलाके। और ये वाली डिजाइन देखो, ये रेलिंग वगैरह बनी है इसमें, इसको देखो। ये रेलिंग नहीं है, ये इंडिया गेट है और मंदिर का मंबू है। क्यों ये रेलिंग सीधा दिख रही है? और ये क्या मंदिर दिखाइए, सोनी जला है मंदिर, ये क्या है? ये मंदिर की चोटी ये रही, ये राम मंदिर है। दोनों चीज होने चाहिए, रेलिंग तो होने चाहिए मंदिर के ऊपर। हां और का जरूरी तो मंदिर है, सही है। अभी बनने तो है ना, फिर आपको हम दिखाएंगे ना, ना, फिर आप बताना कौन सी मेहंदी नंबर, एक कमेंट में बताना जरूर। ये देखो मेहंदी, पूरा खोलो आपको, ये देखो गाइस, बताना कमेंट में मेहंदी कैसी रखी है मेरे। और ये खातरदारी कर रही है, लग रहा है चलो गाइस अभी घूरा वगैरह पूजेगा, उसके बाद में चलेंगे घर पे। हाँ घूरा घर को जाऊं, चलो तो जाओ, आ जाओ निकल आओ। हाँ घर चमक रहा है लेकिन बारिश के मारे राख खराब हो गया गाइस। अब हम कल आएंगे यहाँ पे, कल तो वहाँ जाएंगे गार्डन में सीधा, कल बारात आएगी, कल की शादी है। गाय वाय नाने तई ऐसे ही पूजा कर रहे हो, लिख रहे हो जल्दी, मुकुट तो बहुत बड़ा लगा लो है। गाऊ गाऊ कचू का देने अच्छा लगे, तक लेकर आओ इतना घूरो, जहाँ पूछ रहा हूँ वहाँ तो ठाड़ी है दरवाजे पे। जोते गाऊ
गाइस अभी हमने यहाँ से वो केक ले लिया है, राज का बर्थडे है आज, तो यहाँ से केक भी लेके जाना है, फिर बर्थडे भी मनाना है, और वहाँ से भी आए हैं और सर्दी भी हो गई है इस समय। रात में इस समय टाइम हो रहा है, देख सकते हैं कितना, 8:30 बज रहा है, 8:30 बजे केक खरीद रहे हैं। लो आप सब अपना आशीर्वाद दें राज को। हमारी अम्मा है तो पता ना कितने गर्मी लगती है, कपड़े ने हाल तारे तो दी है। सोने का टाइम हो गया है। जगह कम पड़ जाती है थोड़ी, हाँ जगह कम पड़ जाती है। अम्मा की गेप है नाक पर। नहीं 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 नहीं, बस 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 पूरे कार्ड अब कटवाया, हाथ पकड़ के हाथ पर कटवाए, बाप काट रहे तू का कट फाके सी कट गया केक खा ले। अगर पकड़ रहे आते खवा दे तब ना खवा दे खवा सबन ने। अम्मा चली गई, अम्मा खवा दो। हां देखा जी तो पंटी खवा देगा सबन ने। अगर चाचा को मंदिर में रख, मंदिर में रखो। ओ चॉकलेट है, ओ शाबाश। गाइस अभी राज का बर्थडे मन गया और सभी ने एंजॉय किया, केक खाया, बहुत आनंद आया। और अभी अभी सोनी की बारी है, अब कल शादी में जाएगी तो उसके हाथों पे भी मेहंदी लगानी है। उधर वहाँ पे हमारी दीदी की ननद की शादी, उनके हाथ पे भी मेहंदी लगा के आए, वो लास्ट में दिखाना तो भूल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं कल दिखा देंगे। और ये तो अभी सोनी के हाथ पे भी मेहंदी लगाएंगे, उसको देख लेना। मैं तो सादा रखवाऊंगी, थोड़ी सादा फूल ऐसे, फूल वगैरह थोड़ी जल्दी जल्दी रख दें क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस समय, देख सकते हैं पौने 10 बज गए। और अभी ये वीडियो जो शूट हो रहा है ब्लॉग, ये ब्लॉग भी हमको एडिट करना है, अपलोड भी करना है आप सबके लिए, क्योंकि आप सभी से भी जुड़े रहना है, अच्छा लगता है। पीठ तो सीधी करने दे, अभी सोनी की मेहंदी रखते रखते पीठ में दर्द होने लग गया, फिर भी बोल रही जल्दी रख दो, नींद आ रही है अब, जैसे कि हमको नींद नहीं आ रही है। देखो गाइस कैसी मेहंदी रखी है, बता रहा कमेंट में। ये देखिए, ये तो बोल रही थी सोनी के सादा रख दो हाथ पे, और बैक साइड में दोनों हाथों पे सिर्फ फूल रखवाए, ज़्यादा नहीं क्योंकि चूड़ियों से दब जाएगी।
सर्दी का मौसम है इसीलिए मेहंदी तो लग गई और इस समय टाइम हो गया आज, हाँ देख सकते हैं 11:15 बजने को हैं अभी और इस समय मेहंदी लग रही है। फिर सुबह जागना जल्दी और शादी में भी पहुंचना है और कल तो सोनी का मेकअप करवाएंगे, तो सोनी का पहली बार मेकअप होगा जब से शादी होके आई, अभी तक इसने मेकअप नहीं किया कभी। देखते हैं कल कैसा मेकअप रहता है, तो कल की वीडियो ज़रूर देखना और कल की वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है। और ये देखिए अभी मेहंदी रख चुकी है दोनों हाथों पे, ये नहीं बताएं, कल बताएंगे, कल बताएंगे। अभी ना वो पोटिया वगैरह रचने में थोड़ी व्यस्त हो गई है। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताना। और आज हम गए थे शादी में, तो वो तेल ताई वगैरह थी वो सब हो गया था बारिश की वजह से। हाँ मेहंदी वगैरह तो लगाई, वो तो आप सभी को हमने दिखाया। और गांव में जो घूरा वगैरह पूजते हैं वो गांव की तो परंपरा आपने देखी थी पहली वीडियो हमारी जो ढुणकपरा वाली थी, तो उसमें सब रीति रिवाज देखा था। और यहाँ पे धौलपुर में तो बाज़ार में तो आपने देखा कि बस फॉर्मेलिटी वगैरह बस वही है, बारिश भी हो रही थी तो बस वहीं घर के सामने पूजा कर ली। तो गांव में शहरों में से यही फ़र्क होता है। और आप बताना आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।